लिख लो, अपन हाँ लिख ले, वो थाना अपन ही लिखना है, क्योंकि वही लिख देना है कि अपन हाँ हमारी लड़की थी जो ठंडा से मर गई, यही लिखवा देना है, ठंडी से मतलब गाला पढ़ाई हुई से लिखवाई, तो फिर दिक्कत फस। तो रमेश जी अगर तैयार हो जी हम सर नो जी तो कोई चीज से लकड़ी भिजवा दी लोगों से, ठीक बा। तो मुना का अब कुछ समझाने नहीं आ रहा। मुना हाँ ना, मुना उसको का कही उसको टेट मत नहीं समझाइए, प्रेम से टेट मत नमस्कार। समझवाइए। न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सभी आपके साथ। यूं तो कहने को 1947 में ही हमारे देश को आजादी मिल गई, लेकिन आज तक हमारे देश के लोगों की सोच आजाद नहीं हो पाई है। लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं हमारे समाज में कहीं से भी सुरक्षित नहीं हैं। खास करके अगर हम बिहार राज्य के पिछले कुछ दिनों के आपराधिक घटनाओं की चर्चा करें तो लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार की घटना सामने आती है, लेकिन इन सब के बीच एक ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, और वो भी एक आपराधिक घटना को लेकर जो कि एक बलात्कार की घटना है। आपको ये सोचकर बेहद आश्चर्य होगा कि ये जो ऑडियो है उसमें एक पुलिसकर्मी की आवाज है जो कि एक मुजरिम को ये सिखा रहा है कि आप इस बच्ची की लाश कैसे जलाओ और कैसे इस पूरे मामले को रफा दफा कर दो। आपको बता दें कि 21 जनवरी को मोतिहारी में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप किया जाता है और उसके बाद उसकी लाश को जला दिया जाता है। और इस पूरे ऑडियो में सुनिए कि किस तरीके से पुलिसकर्मी उस मुजरिम को ये नसीहत दे रहा है, ये सिखा रहा है कि कैसे इस पूरे मामले को रफा दफा करना है, पिता से इस बात को लिखवाना है कि बच्ची की मौत ठंड से हुई है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। तो रमेश जी अगर तैयार जी हम सर नो जी तो कोई चीज से लकड़ी भिजवा दी लोगों से, ठीक बा। तो मुना का अब कुछ समझाने नहीं आ रहा। मुना हाँ ना, उसको मुना कही उसको टेट मत नहीं समझाइए, प्रेम से टेट मत समझवाइए। मुन्ना के साइड कर, तू अपना समझावा। हाँ बिहान ऐसन हाला ना कर सुन, नहीं कर सुन बिहान ऐसन है कि हाला कर सुन, ना लिखवा लेते हैं सर। लिखवा के अपन रख लो लोग। सुना जी ना जी मुन्ना के साइड कर, मुन्ना तू मत बतिया भाई केस में। मैं बताऊं हाँ हर तो साइड में जी कर रहा, मैं इस बच्चे बतिया दो, तू टाइट मत बतिया वो। जी ना होके समझा वही ना भाई कि 10,000 करने के बाद बड़े से बोला कि 5-6 आदमी आप लोग है, 5-6 आदमी हमने गांव के हैं कि कोई ना सा ना गांव के ना, वो वो अपन जाके कर लेगा, जी तू गांव वो के ना जाइए। ना वो बात मैंने कह लिया सर कि हाँ कहली यही बात कि कोनो बयान के बाद परेश ना हो के चाहे सुबह से। हाँ हाँ ये बात तो हम उनका समझाओ जी कि बयान के बाद ना ना, रहती ना। रमेश रमेश समझा दे, छोड़ो। अब अपन जाके ऐसे पहुंचा दे सामान, अपन अपन राशन सार करते रहिए सर, जी ठीक ना। ठीक ठीक दाल लिखे करेंगे अरे, जी ठीक बस वहां लिखे जाएगा रमेश तैयार होता हूँ सर। हाँ जी तो जी रमेश के कर दो, रमेश के दो। हेलो रमेश हे रमेश, हेलो, भाई। तैयार होता हूँ सर जाए खातिर। तो यार हो रहा है लेकिन एक बड़ा है तो उसको मना लेते हैं सुनो ना, मना लो सुन लो, जी। आ कोशिश कर जो कुछ दिन हुई ना तो फिर पूरा पूरा गांव इत महला, आ बड़ी आ बड़ी जो सबसे बड़ा दिक्कत है कि बड़ी पदाधिकारी भी हमारा पर चढ़ जाए कि बाजार के जी बात जी है, जी तुम रात में क्यों नहीं बताया। तो अगर ओकरा कहे कि बताओ रात में, कहो हम रात में बड़ी पदाधिकारी बोल देंगे सर ऐसे बात है, आ नहीं तो उसको दाह संस्कार करा तो लकड़ी कहीं से भिजवा दे लोग, समझ हो गए लोग। जाएगा आ अगर से कहिए कि अपन जाके दाह संस्कार तू लोग कर लो, कोई लकड़ी दिक्कत नहीं है, अपन चुपचाप चल जाए तो जहाँ तक बुलवा अपना के ले पास आएगा थाने पर लिखवा लेते हैं ना ना, थाना पर नहीं, थाना पर ना, थाना पर ना ना। ना वो नहीं लिख लो, अपन हाँ लिख ले, वो थाना पर ही लिखना है, क्योंकि वही लिख देना है कि अपन हाँ हमारी लड़की थी जो ठंडा से मर गई, यही लिखवा देना है, ठंडी से मतलब गाला पढ़ाई हुई से लिखवा तो फिर दिक्कत फस, लेकिन ठंडा से ठीक बा। हाँ ना तो समझा दो, प्रेम से समझा दो कि अगर आप लोग अगर करना हो तो केस करिए, और नहीं तो आप लोग जब रखने से क्या फायदा है, इसको रखने से रखिएगा तो 10 गो लोग ध्यान मिलाऊ आपको दबाव देगा, कुछ कहेगा कुछ कहेगा, तो आप लोग अपना समझ के हम लोग लकड़ी की व्यवस्था कर देते हैं, हम लोग आप जाके करा लीजिए, हम जगह बता देते हैं, लेकिन जगह पहुंचा दे जाके दिखा देगा का। हाँ यही ना कि वो ना जाना सुना होगा, अपन चुपचाप चल जाइए, तो कोई बात नहीं, हम आई आओ तो यहीं शाम तक ले, शाम तक ले मत आई शाम तक ले, थोड़ी हाँ लिखवा लिया कि ठंडी से मिक्स हो और गए। फिर आके कथी कराए कि बोले सुबह में फूक लेंगे ना थाना को, हम कुछ कहेंगे ना आप ना ना लोग ना, को फिर रात में, फिर ना सुबह में ना, फिर अथी मार्केट के सुबह ना, सुनो ना जी बिहार मार्केट के समय बा, समझ गिलो, जी लकड़ी दीवार ले जाओ ना, तो मार्केट के समय बा, फिर भोरे 10 आदमी जाए नहीं फिर दिक्कत हुई, वो तो हम और कर रहे हैं ना ना उसको कहे प्रेम से समझा के ठीक कीजिए, चल जा परेशान ठीक। हो जाएंगे आप। ठीक हम आपको परेशान नहीं देंगे सर।
तो आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई है, और इतना ही नहीं उन्हें ये भी कहा है कि आपका ये जो सुशासन है वो कहीं से भी बिहार की जनता के लिए सुशासन नहीं, सिर्फ और सिर्फ महाजंगल राज है, और ऐसी ही परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आए दिन आपराधिक मामले बिहार में आते रहते हैं, अखबारों की बात करें तो हर दिन नए नए आपराधिक घटनाओं से पूरे अखबार रंगे पड़े रहते हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बिहार वाकई महाजंगल राज से जूझ रहा है। यहां पर ना तो महिलाएं सुरक्षित है, ना ही कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान अपने घर तक में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस बात की चर्चा लगातार विपक्ष की ओर से की जा रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हाई लेवल की मीटिंग की जा रही है, अलग अलग तरह के कड़े दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधियों में उनका इकबाल खत्म हो गया है, पुलिस का इकबाल खत्म होता दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये तो बेहद शर्मनाक स्थिति है। जिन्हें लोग जनप्रतिनिधि मानते हैं, जिनकी सुरक्षा के हवाले से वो लोगों को कहते हैं कि हम सुरक्षित हैं, यानी कि पुलिस हमेशा ही जनता की सुरक्षा के लिए जानी जाती है, उनकी समस्याओं की समाधान के लिए जानी जाती है। वहीं पुलिस एक नाबालिग बच्चे के गैंग रेप की घटना जब होती है तो उस मुजरिम को ये नसीहत दे रही है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को रफा दफा किया जा सके। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने ट्विटर हैंडल से एक ऑडियो साझा किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, और साथ ही साथ कुछ जनता के लिए संदेश भी लिखा है। क्या कुछ लिखा है सबसे पहले बताते हैं। बिहार में हाथरस कांड की तरह एक 12 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या कर उसकी लाश रातों रात जला दी गई। पिता का कहना है कि बच्चे के साथ गैंग रेप हुआ। ऑडियो में सुनिए पुलिस अधिकारी कैसे अपराधियों को लाश जलाने की तरकीबें सुझा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नाकामयाबियों के सिकंदर बन गए हैं। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से इस ऑडियो को साझा किया गया है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमेशा आपराधिक मामलों को लेकर एक्टिव नजर आते हैं और बिहार की जनता को दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि आप सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा बिहार सरकार नहीं कर पाएगी। और इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर ट्वीट किया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑडियो को साझा किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।